फ्रेंड्स, रीजनिंग एबिलिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, वहां पे रीजनिंग की बहुत जरूरत पड़ती है और हमको अपनी रीजनिंग एबिलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी ट्राइंगुलर फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से। केवल अगर आप ट्राइंगल्स को काउंट करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स में आप उसको नहीं पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप उन मेथड्स और ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आप देखेंगे आप किसी भी ट्राइंगल में जितने भी ट्राइंगल बने हैं, जितने भी फिगर्स हैं, सबको काउंट कर लेंगे। तो उन टेक्निक्स को शुरू करते हैं। अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहां पर पहला ट्राइंगल आपके सामने है। इस ट्राइंगल में एक ही ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमने वन बोल दिया। अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, वन और टू। क्या वन और टू टू ट्राइंगल दिख रहे हैं? जी नहीं, पहला ट्राइंगल तो ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है और तीसरा ट्राइंगल एक ये लार्जर ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। तो आप बोलते हैं यहां पे टोटल ट्राइंगल्स हैं थ्री। आपने बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया और बता दिया। लेकिन अगर आप इस फिगर में आ जाएं तो आप प्रूव करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अगर आप इस तरह से काउंट कर रहे हैं तो आगे की फिगर में देखें तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अगर हम इससे भी ज्यादा ट्राइंगल बना दें, इसके अंदर भी फिगर्स बना दें, उसमें भी कई सारे ट्राइंगल हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। तो आइए उसका मेथड समझें, एक ऐसा तरीका समझें जिसकी हेल्प से आप किसी भी ट्राइंगल में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को पता लगा लेंगे। तो अगर आपको यहां पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को निकालना है तो आप देखिए पहला ट्राइंगल है वन, दूसरा ट्राइंगल की नंबरिंग आपने कर दी टू। बेस से बनने वाले जितने भी ये ट्राइंगल्स हैं इसको काउंट करा तो पहला ट्राइंगल वन, दूसरा ट्राइंगल टू। अब आप वन प्लस टू आंसर आ जाएगा थ्री, यानी कि यहां पे तीन ट्राइंगल्स होंगे। इसको और अच्छे से समझते हैं। इसमें देखिए इस ट्राइंगल के अंदर यहां पे यहां से पॉइंट हैं जिसके थ्रू एक कई सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो आपने सिंपल उसी तरीके से नंबरिंग करी वन टू थ्री। जब ये नंबरिंग करी आपने तो उसके बाद आपने लिखा वन प्लस टू प्लस थ्री, इन सबको प्लस कर दिया, इन नंबर्स को प्लस कर दिया तो आपके सामने आ जाएगा थ्री प्लस थ्री, यानी कि टोटल सिक्स ट्राइंगल्स। तो आपके सामने सिक्स ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अगर आप यहां पर देखें तो आपने यहां पे पहला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लिखा। अब आप यहां पे नंबरिंग का ऐड करें तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स। अगर आप इन सबको ऐड करें तो वन और टू थ्री, थ्री और थ्री सिक्स, सिक्स और फोर टेन, टेन और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन। टोटल ट्वेंटी वन ट्राइंगल्स आ जाएंगे। पर आप ये भी कह सकते हैं सर हमको तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम इतने सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और अगर बहुत ज्यादा ट्राइंगल हैं तो कैसे ऐड करते चले जाएंगे? ये भी एक ट्रबल आ गई। तो इससे भी छोटा तरीका एक समझिए इन ट्राइंगल्स को काउंट करने के लिए। अब आप देखिए आपने यहां पे निकाला वन प्लस टू प्लस थ्री, तो जो ये लास्ट वाला नंबर है थ्री, आप इसको लिख लीजिए। इस नंबर को लिख लिया जो एंड नंबर था, जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा था थ्री, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके एक ग्रेटर नंबर से, यानी थ्री प्लस वन से। तो आपने थ्री लिखा, उसमें प्लस वन करके ऐड करके और उसे टू से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आएगा आपके सामने थ्री इंटू फोर अपॉन टू। थ्री इंटू फोर अपॉन टू मीन्स थ्री फोर द ट्वेल्व अपॉन टू, यानी कि सिक्स ट्राइंगल। देखिए सिक्स ट्राइंगल्स आ गए आपके सामने। यही काम आप इसमें कर सकते हैं। तो आपके सामने लास्ट लार्जेस्ट नंबर आ रहा है सिक्स, तो आपने लिखा सिक्स। अगला नंबर क्या बनेगा? सिक्स प्लस वन यानी कि सेवन। तो आपने इसको सेवन से लेके मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन टू कर दिया। तो सिक्स सेवन ज फोर्टी टू, फोर्टी टू अपॉन टू, यानी कि ट्वेंटी वन ट्राइंगल्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं उसको कैलकुलेट कर लिया। ये थोड़ा लार्जर मेथड है,
इसका भी शॉर्टकट मेथड ये है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, n, n प्लस वन अपॉन टू। n क्या है, n इज द लार्जेस्ट वन। जैसे यहां पर टू था, यहां पर थ्री था, यहां पर सिक्स था, तो लार्जेस्ट नंबर को लिखा आपने, जैसे कि इस ट्राइंगल में देखें तो थ्री है, तो थ्री लिखा, इंटू थ्री प्लस वन किया, होल अपॉन टू कर दिया। जब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आप इस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को किसी भी ट्राइंगल्स के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से। ये तो सिंपल ट्राइंगल्स हुए। अब अगले लेवल पे आते हैं, इससे भी कठिन प्रॉब्लम्स पे, जिसमें और भी अंदर कई सारे ट्राइंगल्स बने होंगे, आइए उसको देखते हैं। तो अब हम लोग अगले लेवल के ट्राइंगल्स को देखते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करेंगे, जो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आप देख सकते हैं यहां पे दो फिगर्स बनी हुई हैं। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, तो अब आप फिगर में देखें तो इसके बेस पे देखें तो पहला ट्राइंगल ये वन, दूसरा ट्राइंगल इसको नंबरिंग कर दी वन और टू। अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहां पर भी एक बेस लाइन बनी हुई है, आपने इस पे भी लिख दिया वन, इस पे लिख दिया टू। अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहां पर भी ट्राइंगल फिगर दिख रही है वन और टू। और जैसा कि अभी हमने इससे पिछले वाले ट्राइंगल्स में सीखा, यहां पर वन और टू तो टोटल हो जाएगा हमारा वन प्लस टू, यानी कि थ्री ट्राइंगल्स। जब हम इनको ऐड कर देते हैं तब आंसर निकाल लेते हैं, ऐसे ही वन प्लस टू मीन्स थ्री ट्राइंगल्स। ऐसे ही आप यहां पे लिख सकते हैं वन प्लस टू मीन्स थ्री ट्राइंगल्स। तो टोटल ट्राइंगल कितने आ गए, नाइन ट्राइंगल्स, यानी इस फिगर के अंदर टोटल नाइन ट्राइंगल्स होंगे। आइए अब इस फिगर पे आ जाइए, तो अब आप देखिए यहां तो बहुत ज्यादा ट्राइंगल बने हैं और उसके अंदर भी यहां पे लाइंस खींची हुई हैं, तो आप इसमें भी कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, सिंपल नंबर्स लगाइए और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अगर आप इस रिलेशन से देखें लार्जर ट्राइंगल के लिए तो देखिए टोटल सिक्स। अब आप क्या करेंगे, सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, आप ये कर सकते हैं। तो सिक्स प्लस फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 21 आ जाएगा। पर जैसा कि अभी बताया था ये तो लार्जर मेथड है, तो आप इसके लिए छोटा तरीका क्या अपना सकते हैं, आपने टोटल लिखा 6 और इसका अगला नंबर लिया n प्लस 1 यानी इंटू 7 होल अपॉन 2, तब भी सॉल्व करके आपका 21 आ गया। तो ये ट्राइंगल्स हो गए 21। अब आप इसको देखिए, तो यहां पर आप पॉइंट लगाइए 1, यहां लिखिए 2, तो आपने लिखा 1 और 2, तो टोटल ये ट्राइंगल हो गए 1 प्लस 2 मीन्स 3। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पर भी 1 और ये 2, तो आप इसे 1 प्लस 2 मीन्स ये हो गया 3, मीन्स 3 ट्राइंगल्स, 3 ट्राइंगल्स प्लस 21 ट्राइंगल्स, तो टोटल ट्राइंगल्स आ गए 21 प्लस 3 प्लस 3 यानी 21 प्लस 6, 21 प्लस 6 मीन्स 27 ट्राइंगल्स। इस तरह से आप 27 ट्राइंगल्स को पता लगा सकते हैं। आइए आप एक और एग्जाम्पल को लेते हैं, इनमें ट्राइंगल्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं। तो देखिए ध्यान से इस ट्राइंगल को अगर देखें, इस फिगर को देखें, तो इसमें काउंट करिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3 और 4, यानी ये चार हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर चार ट्राइंगल्स होंगे, यानी यहां पर टोटल 4 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अगर आप यहां पे देखें तो फिर से काउंट करिए हॉरिजॉन्टली 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बेस लाइन को लेके करना होता है, तो आप देखेंगे कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, सिंपली 6 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो अगर इस तरह के ट्राइंगल्स फिगर्स हैं जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई हैं केवल ट्राइंगल्स के डिवीजन में, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्लूडिंग द बेस लाइन के बराबर होते हैं। तो यहां पर 6 लाइन्स आ रही हैं, तो 6 ट्राइंगल्स, यहां पर 4 लाइन से आ रही हैं, तो 4 ट्राइंगल, जितने भी डिविजन हो रहे हो आप उनको काउंट कर लीजिए, उतने ट्राइंगल्स आ जाएंगे। आइए अब उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में ये पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स, जहां से हमने ये फिगर को जोड़ दिया तो एक ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बन गया है। तो अब यहां कितने ट्राइंगल्स होंगे, तो इसकी काउंटिंग के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है 1, 2, 3, 4, तो आपने ये काउंट करे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। पहचान क्या है, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक और ट्राइंगल बना हुआ है तो टोटल तो वो 4 ट्राइंगल हो गए, और उसमें आप एक ऐड कर दीजिए 4 प्लस 1 यानी कि टोटल 5 ट्राइंगल्स होंगे।
तो ये एक पॉइंट आ गया बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बना हुआ है जैसा कि यहां बना हुआ है तो चार ट्राइंगल तो अंदर दिखेंगे और एक ट्राइंगल उसके साथ में एड हो जाएगा बाहर वाला, तो पांच ट्राइंगल हो गए। इस लॉजिक का यूज करके अब आप इसमें ध्यान दीजिए, तो ध्यान से देखिए, एक ये बड़ा ट्राइंगल है, इस बड़े ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में एक ये ट्राइंगल बन रहा है जिसको मैंने अभी डार्क किया। तो इस बड़े ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में यहां पे ट्राइंगल है फोर, ये इनसाइड के रिलेशन में। अब इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल बन रहा है, तो फोर के साथ में इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में दूसरे ट्राइंगल्स हो गए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फोर, और एक जैसा मैंने बोला आउटर ट्राइंगल के लिए वन, तो प्लस वन, तो फोर फोर एट और वन, नाइन ट्राइंगल्स आ जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, फिर से समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने एक पॉइंट बोला कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर एक ट्राइंगल दिख रहा है तो चार ट्राइंगल अंदर के काउंट कर लीजिए, प्लस वन कर दीजिए, फाइव आ जाता है। सिमिलरली अब देखें आप इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो फोर इसके लिए हो गए। अगर आप इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अंदर बन रहा है, तो फोर इसके लिए हो गए, और ये तो कॉमन ट्राइंगल था सबके लिए, तो फोर प्लस फोर प्लस वन यानी टोटल नाइन ट्राइंगल आ जाएंगे। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो देखिए, इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में एक ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हुए आपके फोर। अब अगर आप इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल हुए फोर। अगर आप इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो एक ये अंदर ट्राइंगल बन रहा है, सबसे छोटा ट्राइंगल जिसको मैं कलर भी कर दे रहा हूं, तो ये नंबर ऑफ ट्राइंगल हुए फोर। और एक आउटर ट्राइंगल है यानी कि हो गया प्लस वन, यानी कि फोर थ्री 12 प्लस वन, टोटल 13 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। बड़े ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इन तीन पॉइंट से एक ये ट्राइंगल बना तो चार ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अंदर ट्राइंगल बने तो फोर ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में अंदर ट्राइंगल बना तो फोर ट्राइंगल, तो फोर 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 प्लस वन यानी कि 13 ट्राइंगल्स आ गए। तो आइए अब इस फिगर पे आ जाएं जो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या हुआ है, एक ट्राइंगल में एक ये ट्राइंगल बना हुआ है और उस ट्राइंगल के अंदर एक ये ट्राइंगल बना था, साथ में हमने इन लाइंस को भी ज्वाइन कर दिया, तो और भी ज्यादा ट्राइंगल बन गए। अब क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए, इस लार्जर ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में एक ये ट्राइंगल है तो टोटल फोर। अब इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो एक ये ट्राइंगल है फोर, और जैसा कि मैंने बोला था प्लस वन करते हैं लार्जर ट्राइंगल के लिए, तो प्लस वन यानी कि नाइन, तो यही हो गया। ये हमारा इस लॉजिक पे बेस्ड हुआ। अब साथ में देखें तो यहां पे क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ करी थी तो एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां पे टू और ट्राइंगल आ गए। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो एक यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, एक यहां पे ट्राइंगल बन रहा है, तो प्लस टू और आ गए। अब अगर आप यहां पे देखें एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है इस लाइन को ड्रॉ करने से, तो प्लस टू और आ गया, तो हमारे सामने आ गए नाइन प्लस सिक्स यानी कि टोटल 15 ट्राइंगल्स। तो 15 ट्राइंगल विल बी द आंसर हियर। आइए अब उसके अगले लेवल पे आ जाएं। इसके लिए आपको एक छोटा सा मेथड याद रखना पड़ेगा, मेथड मींस एक टेबल को याद रखना पड़ेगा जिसके थ्रू आप ट्राइंगल्स के नंबर्स को निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरह की फिगर्स होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में, यहां पे एक ट्राइंगल के अंदर यहां पर दो पॉइंट्स हैं, यहां पर दो पॉइंट्स हैं और यहां पर दो पॉइंट्स हैं। इनके थ्रू जब लाइन ज्वाइन करेगी तो ये बहुत सारे ट्राइंगल बन गए, और यहां तो बहुत ही ज्यादा ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर आप इनको कैलकुलेट करने बैठ गए तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना के आपको दी है। आप इस टेबल को याद रखेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन में मैक्सिमम इस फोर के लेवल तक पूछा जा सकता है। ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आपको फिर भी टेबल पता होनी चाहिए। तो देखिए, इसका सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको इस तरह की फिगर दिखाई पड़ रही है तो आप यहां काउंटिंग करिए। आप देखेंगे हर तरफ से इस ट्राइंगल्स की पहचान ये है कि हर तरफ से इक्वल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ रहे होंगे। तो देखिए, वन टू थ्री, ये तीन ट्राइंगल्स हैं। अगर आप इधर से काउंट करें तो वन टू थ्री, ये तीन ट्राइंगल्स हैं। अगर आप इधर से काउंट करें तो वन टू थ्री, यानी हर तरफ से तीन 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 ट्राइंगल आ रहे हैं। तो अगर तीन ट्राइंगल हर जगह आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे थ्री के लिए, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, और उसकी टेबल से आपके सामने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में 13 आ जाएंगे। यहां पर आप इस टेबल को याद रखिए, आंसर तुरंत बता देंगे। यहां पे चेक करें तो देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हॉरिजॉन्टल वे में आ रहा है। अगर आप देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर भी आ रहा है, और अगर इधर से देखें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स टेबल्स, तो सिक्स पे आ जाइए। तो अगर आप सिक्स को देखेंगे तो सिक्स के सामने टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे 78। तो आप इसको बहुत आसानी से इस टेबल के थ्रू याद रख के ट्राइंगल्स को देख के तुरंत कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने ट्राइंगल्स होंगे।
अब इसके बाद हम लोग कुछ स्क्वायर से रिलेटेड फिगर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जिसके अंदर भी ट्राइंगल्स बनते हैं। तो अगर स्क्वायर शेप फिगर के अंदर ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो उनके नंबर्स को कैसे काउंट करेंगे, आइए इसके मेथड को समझ लें। तो देखिए पहली फिगर में देखिए एक स्क्वायर बना है जिसके अंदर ये दो डायगोनल बने हैं, तो आप बहुत आसानी से काउंट करिए 1 2 3 4। तो ये आपने देखा चार ट्राइंगल देख रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ ट्राइंगल लास्ट में आ रहा है यानी कि लास्ट एंड नंबर आ रहा है 4, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 4 to the 8। नाउ वी कम टू दिस फिगर, अब इस फिगर में देखिए सेम मेथड फॉलो करेंगे, तो यहां लिखना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड नंबर आया 8। अब आपने 8 लिखा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस 16 ट्राइंगल्स आ जाएंगे, यानी कि एंड नंबर को लीजिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इजिली आपको आंसर मिल जाएगा। इस ट्राइंगल्स इस फिगर में ट्राइंगल्स को देखें, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। पहले हम सबसे बड़े स्क्वायर के लिए काउंटिंग करें, तो देखें कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्क्वायर है आउटसाइड वाला उसके लिए हमने लिख लिया 8 into 2 यानी कि 16। अब इसके बाद वाले स्क्वायर को देखिए, ये वाला स्क्वायर जो दिख रहा है तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आ गया 8 into 2 यानी कि 16, तो टोटल ट्राइंगल हमारे सामने कितने आ गए 32। और आप आसानी से आंसर निकाल ले जाएंगे, मींस सिंपली आपको एंड नंबर को लेके सारे ट्राइंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आप नंबर ऑफ ट्राइंगल इन दैट स्क्वायर पता लगा सकते हैं। आइए तो अब एक और डिफरेंट तरह की फिगर को डिस्कस करते हैं, इसमें स्क्वायर के अंदर फिर से ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो देखिए इस फिगर को देखिए, जैसा कि अभी डिस्कस किया, अब आप यहां काउंटिंग करिए स्क्वायर में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल 8 into 2 यानी कि 16। अब अगर साथ में आप देखें ऊपर भी तो बने हुए हैं दो ट्राइंगल, तो एक ये 1 और एक ये 2, तो ट्राइंगल का पहला वाला लॉजिक लगाएंगे, यहां 2 नहीं होंगे बल्कि यहां पर होंगे 1 plus 2 यानी कि 3 ट्राइंगल्स, तो 1 plus 2 means 3 ट्राइंगल, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे 19, यहां पे 19 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अगर आप इस फिगर में देखें तो एक ये स्क्वायर बना हुआ है और ये दूसरा स्क्वायर बना हुआ है, ने दो स्क्वायर मिले हुए हैं इन दो पॉइंट्स पे। तो पहले इस स्क्वायर के लिए देखें तो 1 2 3 4, तो 4 into 2 means 8, इसके लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल आ गए। अब आप इसको काउंट करें 1 2 3 4, तो 4 into 2 यानी कि 8 आ गए, तो टोटल ये 16 ट्राइंगल आ गए। क्या काम बन गया? नहीं, अभी भी बाकी रह गया। अभी देखिए यहां पर भी तो ये ज्वाइन हुए हैं, तो इस फिगर में दो पॉइंट दिख रहे हैं, तो अगर दो पॉइंट दिख रहे हैं तो ये दो ट्राइंगल बनेंगे, तो आप इसमें कर देंगे +2 यानी कि टोटल 18 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो 1 2 3 4, तो 4 into 2 यानी कि 8 ट्राइंगल इस वाले फिगर के लिए आ गए। अगर आप इस फिगर को देखें 1 2 3 4, तो 4 into 2 मींस 8 यहां के लिए आ गए। अगर आप इस फिगर को देखें तो 1 2 3 4 मींस 4 into 2 यानी कि 8 यहां के लिए आ गए, तो 8 8 8 यानी 24, तो क्या 24 आंसर हो जाएगा? नो, 24 के साथ में आप देखिए यहां पर दो पॉइंट्स यहां है, दो यहां है, टोटल 4 पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4, क्योंकि ये कॉमनली ज्वाइन होके यहां से ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो टोटल 1 2 3 4 +4 कर दीजिए यानी कि 28 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अगर दो पॉइंट्स दिए हो तो 2 ऐड करिए, अगर 4 पॉइंट्स हैं क्योंकि 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं तो 4 ऐड करिए क्योंकि 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, 28 आ जाएगा। इन द सेम वे आप जितने भी नंबर ऑफ स्क्वायर के साथ जुड़े हुए ट्राइंगल बन रहे हो सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज आपने इस तरह से डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स और स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स को कैलकुलेट करने का मेथड सीखा। इन माय कमिंग वीडियोस आप रीजनिंग से रिलेटेड डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स यहां पर सीखेंगे।